अगर आपकी भी सीबीएसई की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो अब आप चाहते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिए अप्लाई करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके घर बैठे हुए उसे अपना मंगा सकते हैं इजीली 1 वीक के अंदर। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है सीबीएसई की मेन वेबसाइट जो कि है cbse.go.in। सर्च करने के बाद देखिए हम सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे हमें देखिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम DADS। तो इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट एकेडमिक डुप्लीकेट सिस्टम DADS। इसमें किसी भी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि हमारा DADS का स्टेप रहेगा। इसमें आप कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम यानी DADS के ऑप्शन पर जाएंगे, जहाँ से आप मार्कशीट, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन पास सर्टिफिकेट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यू वॉन्ट आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट है, आप डिजिटल डॉक्यूमेंट के थ्रू भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे डिजिट लॉकर लॉकर के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। साथ में उसमें मिलता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जिसमें मार्कशीट, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट को यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं, जिसके लिए चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे चार्जेस की मैं बात करूंगा अभी आगे। साथ ही उसमें मिलता है यहाँ पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सीटेट के लिए, यानी सीटेट का जो रिजल्ट है उसको आप यहाँ पे यानी प्रिंट करा सकते हैं। साथ में ट्रैक एप्लीकेशन ऑप्शन मिलता है, फी सर्कुलर ऑप्शन मिलता है, फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी का ऑप्शन मिलता है, सीटेट ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है और सीटेट फी सर्कुलर का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फी सर्कुलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी सर्कुलर ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फीस आपको शो कर जाएगी। अगर आप अपनी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट को आप बाई पोस्ट यानी प्रिंटेड फॉर्म में मांगा चाहते हैं तो उसके लिए देखिए चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। अगर आपका जो पासिंग ईयर है वो अप टू 5 ईयर है, यानी 5 ईयर के अंदर अंदर आपने पासिंग किया है अपना कोर्स, जो भी सब्जेक्ट है आपका 10th 12th आपने पास किया है, तो आपको फीस देनी होगी ₹250। अगर 5 साल से 10 साल के बीच में आपने पासिंग ईयर है तो आपको ₹500 फीस देना होगा। अगर आपका 10 या 20 साल के बीच में आपका पासिंग ईयर है तो आपको ₹1,000 फीस देना होगा। अगर 20 साल से ज्यादा का आपका पासिंग ईयर है तो आपको ₹2,000 फीस देनी होगी अपनी मार्कशीट के लिए। साथ ही अगर आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चार्जेस देना होगा आपको ₹250। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के आपको चार्ज देना होगा ₹250। साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी पासिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको फीस देनी होगी ₹200। साथ में देखिए अगर आप अर्जेंट कोई भी यहाँ पे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा देना होगा, जो अदर चार्जेस से अलावा आपको ₹500 चार्ज देना होगा एवरी डॉक्यूमेंट का अलग अलग से। साथ ही यहाँ पे देखिए करेक्शन करना चाहते हैं अपनी मार्कशीट के अंदर या सर्टिफिकेट के अंदर, यानी आप अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट के अंदर अपना नेम या डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं तो आपको ₹1,000 चार्जेस देना होगा। साथ ही वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं आप अपने स्टेटमेंट का, जो मार्कशीट है, जो मार्क्स है या फिर जो आपका करेक्शन कराया हुआ है अपने मार्कशीट के अंदर 10th 12th के अंदर, तो आपको ₹500 चार्ज देने होते हैं। तो ये हमारे चार्जेस रहने वाले हैं अगर हम अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट आपको बाई पोस्ट आपको आपके एड्रेस पर मिल जाएगा या फिर आप बाई हैंड भी जाके यूनिवर्सिटी जो सीबीएसई के बोर्ड से जाके आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आप बाई पोस्ट ही अपने सर्टिफिकेट को मंगाएं या जो भी अपने मार्कशीट वगैरह को मंगाना चाहते हैं। तो हम देखिए बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए अगर आप अपनी मार्कशीट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिए ऑप्शन मिलता है सबसे पहले यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने सर्टिफिकेट को जो आपका है पासिंग ईयर है 2017 से बाद का पासिंग ईयर है तो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसको आप डिजिटल लॉकर की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बात करें ओल्ड सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए 2016 के बाद का आपका पासिंग ईयर है यानी पहले का यानी 15 14 13 12, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ फीस पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आप डिजिटल लॉकर से आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका डिजिटल सर्टिफिकेट रहेगा। तो वो आपका प्रिंट फॉर्म में नहीं रहेगा, सिर्फ आप उसको डाउनलोड करके अपने पास यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सप्लेन करूंगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे अगर आप अपना प्रिंट फॉर्म में चाहते हैं अपने डुप्लीकेट मार्कशीट को, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को या फिर पासिंग सर्टिफिकेट को, तो आपको क्लिक करना होगा प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में। प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल सर्च करनी है,
सबसे पहले सिलेक्ट करना है क्लास, आपको किस क्लास के लिए यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, 10th या 12th। इसके बाद कैंडिडेट का रोल नंबर फिल कर लेना है, पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में पास किया है आपने वो 10th 12th अपना कोर्स। इसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम फिल कर देना है, फादर्स नेम फिल करना है, फर्स्ट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए स्टूडेंट की डिटेल शो कर जाएगी। अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एड्रेस फॉर डिस्पैच, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है आपको यहाँ पे अपनी। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है, जिस एड्रेस पर आपको अपनी मार्कशीट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या पोजीशन सर्टिफिकेट आपको रिसीव करना है। तो आपको अपने यहाँ पे करंट एड्रेस फिल करना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 लाइन में आपको अपने एड्रेस का फुल एड्रेस आपको फिल कर लेना है, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट रहेगा, और पिन कोड आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर जो कि आपका वर्किंग में चाहिए वो मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको डिस्पैच मोड, तो यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाई पोस्ट, बाई हैंड और अर्जेंट। मान लीजिए आपको बाई पोस्ट अपना जो अपनी मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर आपको पोजीशन सर्टिफिकेट है बाई पोस्ट चाहिए, तो बाई पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो बाई पोस्ट का ऑप्शन क्लिक करके आप अर्जेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी मार्कशीट रिसीव हो जाएगी वो आपको 48 आवर्स के अंदर आपको रिसीव हो जाएगी, आपको बाई पोस्ट आपके घर पर। इसके लिए आपको अपना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा जो कि आपको 500 रुपीज चार्ज देना होगा आपको एवरी डॉक्यूमेंट का, जो भी आपकी मार्कशीट रहेगी, माइग्रेशन या पोजीशन सर्टिफिकेट जो भी आप मंगा रहे हैं। साथ ही सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बाई हैंड, तो आप सीबीएसई बोर्ड जाके बाई हैंड भी अपनी मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ बाई पोस्ट, जिसमें मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ अर्जेंट भी। अगर आपको अर्जेंट मंगानी है तो बाई पोस्ट सेलेक्ट करना है, फिर अर्जेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मंगाना है। तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन का ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑप्शन मिलता है और मार्कशीट का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट एक साथ ही मंगा सकते हैं, या फिर आपको एक डॉक्यूमेंट मंगाना है तो एक डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मार्कशीट मंगानी तो मार्कशीट सेलेक्ट कीजिए, पासिंग सर्टिफिकेट मंगाना तो पासिंग सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए, माइग्रेशन मंगाना तो माइग्रेशन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्कशीट और यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट ही होता है। इसके बाद देखिए हमें अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपलोड करना है कोई गवर्नमेंट आईडी, इसमें आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं अपने, यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए, चूज वैल्यू सुन करके आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। जो फॉर्मेट रखना है आपको पीडीएफ रखना है, और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके अपलोड कर लेना है, व्यू कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट को। साथ ही बाकी 2 डॉक्यूमेंट हमारे ऑप्शनल है, इनको आप अपलोड करना चाहते हो अपलोड कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड जैसा कर सकते हैं यहाँ पे, जो कॉपी अपलोड कर सकते हैं जो भी आपका सर्टिफिकेट है। मान लीजिए आप मार्कशीट मंगाए तो मार्कशीट की कॉपी अपलोड कर सकते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट मंगाए तो पासिंग सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अपन स्किप कर सकते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिया गया है वो है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्मेट हमारा पीडीएफ ही रहेगा। ये ऑप्शन भी हमारा ऑप्शनल है, इसको आप अपलोड करना चाहिए डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपका एड्रेस मेंशन हो चाहिए जो आपने एड्रेस डिटेल के अंदर फिल किया है। तो मैं दोनों ऑप्शन को यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, आपकी सारी डिटेल शो करेगी यहाँ पे, और हमारी यहाँ पे एड्रेस डिटेल शो करेगी जो कि डिस्पैच एड्रेस रहेगी। इसको आपको एक बार चेक कर लेना है, इसी एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन आपको रिसीव होगा। साथ देखिए अमाउंट पे शो करेगा, तो यहाँ पे देखिए जो अमाउंट पे शो कर रहा है यहाँ पे वो सर कर रहा है 2100 रुपीज। ऐसा क्यों शो कर रहा है, तो देखिए जो मार्कशीट की फीस है, मैंने यहाँ पे जो सेशन यहाँ पे अपना सेलेक्ट किया है वो है मेरा 2015, तो यहाँ पे जो मार्कशीट की फीस रहेगी वो रहेगी हमारी 500 रुपीज, और जो सर्टिफिकेट की फीस रहेगी उसकी भी फीस रहेगी हमारे यहाँ पे 500 रुपीज। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अभी 2100 रुपये चार्ज क्यों है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो मैंने आपको पहले बताया था जो अर्जेंट का चार्ज रहेगा हमारा वो 500 रुपीज एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा 100 यानी 500 500 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है, और 100 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं वो बाई पोस्ट लग रहे हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आप बाई पोस्ट मंगाते हैं उसमें आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पोस्ट का चार्ज भी आपको देना होगा, इसलिए यहाँ पे जो फीस शो कर रही है मेरी यहाँ पे 2100 रुपये शो कर रही है। तो मुझे अपना 2100 रुपये फीस का पेमेंट करना है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं वापस आते हैं, वापस आने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट हमें सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुए हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और जो फीस यहाँ पे पेमेंट करनी थी मेरे को वो पेमेंट करनी है यहाँ पे 2100 रुपये। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अर्जेंट बेस पे मुझे अपना डॉक्यूमेंट मंगाना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। सेम तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आधार कार्ड, और फिर कंटिन्यू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको फीस शो करेगी। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट जो पे करना है वो सो पे करना है 1100 रुपये, यानी जो मार्क्सिट सॉरी जो सर्टिफिकेट चार्ज है वो 500 रुपये है, अर्जेंट पे से जो मंगाने का चार्ज आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, 100 रुपये चार्ज हमारा पोस्ट ऑफिस का चार्ज रहेगा, और इसको आपको ऑनलाइन पे करना होगा। तो बैक आते हैं दोबारा से हम वापिस,
अब मान लीजिए हम मार्कशीट सिलेक्ट करते हैं तो भी हमें देखिए सेम चार्ज हमें यहाँ पे देना होगा 1100 रुपये, क्योंकि मार्कशीट जो चार्ज है हमारा फीस है वो 500 रुपीज है, क्योंकि सेशन हमने सिलेक्ट किया है 2015 जो कि हमारा 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में आता है। साथ ही 500 रुपीज चार्ज रहेगा हमारा यहाँ पे अर्जेंट का, 100 रुपीज बाई पोस्ट जो सेंड है वो चार्ज वो हमारा रहेगा। अगर मान लीजिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करते हैं और सेम तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो इस बार जो चार्ज हमारे यहाँ पे शो करेगा वो शो करेगा 850 रुपीज, क्योंकि जो हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट चार्ज है वो है हमारा 250 रुपीज। अगर आप अर्जेंट बेस में मंगाते हैं तो आपको 500 रुपीज अलग से चार्ज देना होता है और 100 रुपीज चार्ज रहेगा हमारा स्पीड पोस्ट चार्ज। तो यहाँ पे मैंने अर्जेंट बेस पे बताया, अगर आपको अपना मार्कशीट जो भी आपको सर्टिफिकेट मंगाना है, आप देखिए मैं यहाँ पे अर्जेंट के ऑप्शन को यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ बाई पोस्ट ही अपने जो डॉक्यूमेंट को मंगाना है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, आपको डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट मंगाना है, उस हिसाब से आपको चार्ज आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे मार्कशीट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो कि मेरा पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा। इन दो डॉक्यूमेंट को मैं अपना मंगाना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि मुझे अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जो कि आधार कार्ड अपलोड करना है, फॉर्मेट हमारा पीडीएफ रहेगा, और चूज डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, और फिर हम उसको व्यू भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। बाकी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ऑप्शनल है जिसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसके बाद मुझे कंटिन्यू पे ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने पेमेंट शो कर जाएगी और हमारा एड्रेस शो कर, इसको अपने यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार, सारी डिटेल को अपने यहाँ पे चेक करना है। और फिर यहाँ पे देखिए पेमेंट शो कर रही है, जो कि शो कर रही है यहाँ पे 1100 रुपये। 1100 रुपये क्यों शो कर रही है? जो मेरा सेशन है यहाँ पे 2015 सेशन है, यानी जो चार्जेस है हमारा मार्कशीट का और प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट को 500 रुपीज चार्ज है। इसीलिए देखिए यहाँ पे 500 रुपीज, 500 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपये हमारी फीस रहेगी और 100 रुपीज रहेगा हमारा पोस्ट का चार्ज। इसके बाद देखिए हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कीजिएगा और फिर पिक ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए हमें प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर शो करता है जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, इसी से ही आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें पेमेंट की डिटेल शो करेगी, तो अब हमें यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं देखिए हम पेमेंट स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट कंप्लीट करा सकते हैं। तो देखिए जल्दी से मैं अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसको आपको प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। अब देखिए दोस्तों ये फॉर्म फिल आपका हो चुका है। इस तरीके से आप अपने मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ट्रैक कैसे करना है अपनी एप्लीकेशन को। तो देखिए दोस्तों अगर आपने अर्जेंट बेस पे अपना अप्लाई किया है तो आपका 48 आवर्स के अंदर आपकी जो मार्कशीट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपने पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है वो आपके जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाएगी। अगर आपने अर्जेंट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ बाई पोस्ट को सिलेक्ट किया है, तो विदिन 7 डेज के अंदर आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पर आपको रिसीव हो जाएगी। जो भी आपने मोबाइल वर्किंग नंबर दिया, अपना एड्रेस दिया, उस पर आपको आपकी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ अपना 7 डेज का, तो क्योंकि मैंने बाई पोस्ट के थ्रू ही अपना मार्कशीट की अपनी सर्टिफिकेट को मैं अपने रिसीव करूंगा। तो देखिए दोस्तों आज पूरे 5 डेज चुके हैं। 5 डेज बाद मैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन, इस ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद देखिए आपसे आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर पूछता है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर भूल चुके हैं तो कैसे आपको इसको रिट्रीव करना है? तो देखिए आप डैशबोर्ड पर जाना है आपको। डैशबोर्ड बजाने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है कुछ। फिर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, अपना पासिंग ईयर फिल कर लेना है किस ईयर में पासिंग हुए हैं आप, साथ में आपको स्टूडेंट यानी कैंडिडेट का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर फिल करने लेना है जब आपने अपना फॉर्म फिल किया था, मोबाइल नंबर को फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन क्लिक करते ही आपने जितने भी सर्टिफिकेट यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपने मार्कशीट या आपने माई वो अपना प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है वो डिटेल आपके यहाँ पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे आपने जिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उसके सामने आपका एक अपना आईडी नंबर होता है जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर आना है, इस बार जाना है हमें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन में। यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर फिल करना है और फिर उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखें हमारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। इसमें हमारा एप्लीकेशन आईडी नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, स्टूडेंट का नेम रहेगा, पासिंग ईयर रहेगा, उसका एड्रेस मेंशन होगा, और देखिए यहाँ पे जो स्टेटस है वो शो कर जाएगा। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है योर डॉक्यूमेंट हैज बिन डिस्पैच ऑन योर एड्रेस, जो आपने एड्रेस दिया था उस पर आपका डॉक्यूमेंट आपका डिस्पैच कर दिया गया है, और आपका यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर दिया गया है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जो ये ट्रैकिंग नंबर है तो आपको अपना जो पोस्ट है
पोस्ट ऑफिस वेबसाइट पर जाके या फिर उसके ऐप पे जाके आपका ट्रैकिंग नंबर से आप अपना स्पीड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ पहुंचा, आपको रिसीव हुआ नहीं हुआ, उसी डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग नंबर से आप उसको ट्रैक कर तो सकते हैं। आप देखिए, अगर आपने अर्जेंट बेस पे आपने अप्लाई किया अपने कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपको विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट आपको रिसीव होगा आपके एड्रेस पर। अदरवाइज आपने सिर्फ बाई पोस्ट के थ्रू ही आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको विद इन वन वीक के अंदर आपको आपका डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पर आपको रिसीव हो जाएगा। साथ ही बात करें, आपको जो डॉक्यूमेंट रिसीव होगा उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपकी मार्कशीट आपको रिसीव हुई है, तो मार्कशीट पे आपको मेंशन होगा साइड में कि आपको जो मार्कशीट है वो डुप्लीकेट है। साथ ही आपका सर्टिफिकेट आपको आपको रिसीव होता है वो भी आपको मेंशन होगा, आपका सर्टिफिकेट के ऊपर कॉर्नर साइड में आपको लिखा होगा डुप्लीकेट। तो आप डुप्लीकेट मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट के अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है। फुल प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करके अपने घर बैठे हुए विद इन 1 वीक या फिर अर्जेंट में या 48 डेज 48 आवर्स के अंदर आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट जो आपके खो गए हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं, जिसमें आपके मार्कशीट होते हैं या माइग्रेशन होते हैं या फिर आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट, उसको आप घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं। थैंक यू।